दोस्तों स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, ये मेरे गुलाब का प्लांट है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और मधुमक्खी कैसे इनका रस ले रही है। पर इसी गुलाब के पौधे में आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्ते सूख गए हैं और कुछ कलियां मुरझाई हुई हैं और किस तरीके से इसके पत्ते सूख गए हैं, इसलिए गुलाब का पौधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसकी पत्तियों को हटा देंगे और मक्खी को इसी तरीके से फूलों का रस पीने देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे गुलाब के पौधे में फूल आते हैं। एक ही टहनी में आप देख सकते हैं 20 गुलाब खिले हुए हैं। मैं इसी तरीके से इसके सूखे पत्तों को हटा देती हूँ और जो कलियाँ फूल नहीं देती है उन कलियों को भी कटर की मदद से हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से कितनी संख्याओं में एक साथ ही कलियाँ खिलती हैं और फिर उसी तरीके से इसमें गुलाब भी खिलते हैं। आज मैं इसके सूखे पत्तों को हटाऊंगी और हम फिर इसकी नीचे से इस तरीके से गुड़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं वाइट कलर के गुलाब के फूलों में भी कितने सारे फूल खिले हुए हैं। इस तरीके से मैं इसकी गुड़ाई करूंगी। आप इस तरीके से अपने गुलाब के पौधों से पत्तियां हटाते रहिए और जब फूल खिल के मुरझा के झड़ जाते हैं तो आप इनकी यहाँ से कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से इसमें नई नई ब्रांचें आ जाएंगी और आपका पौधा बिल्कुल गोल हो जाएगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।